हाउ टू स्टडी प्लिन बीम रेनफोर्समेंट। जो प्लिन बीम का जो रेनफोर्समेंट जो ड्राइंग रहती है वो उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, या फिर जो स्टडी करने के बाद हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि जो प्लिन बीम का जो रेनफोर्समेंट है वो क्या क्या गिवन है, साइज क्या गिवन है, डेप्थ क्या गिवन है, जिसका जो डाया है वो क्या गिवन है, टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा क्या गिवन है, रिंग्स की स्पेसिंग क्या है, तो वो सभी ध्यान में रखते हुए हमें जो बीम का है रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करना होता है। तो इसी वीडियो में हम बिल्कुल वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या फिर आप सुपरवाइजर फिर इंजीनियर है तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका जो प्लान है इस तरह से गिवन रहेगा। प्लान के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं और काफ़ी आपको ध्यान में भी रखना होता है। जैसे कि इस तरह से प्लान है आपका, तो यहाँ पे आपको प्लान के अंदर आपको गिवन रहेगा आपका जो कॉलम है कॉलम पोजीशन रहेगी, प्लस आपको बीम है B1 P1 B1 आपको दे दिया जाएगा। तो कॉलम टू कॉलम आपकी क्या रहती है, बीम, या फिर बीम टू बीम जंक्शन जैसे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बीम है और यहाँ पे बीम है, तो यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो ये बीम अलग हो जाएगी, जैसे बीम टू बीम जंक्शन में तो आपका ये बीम अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो आपका इस तरह से आपको देखना है, जैसे यहाँ पे ये बीम है या कोई कॉलम नहीं है, तो कॉलम नहीं है तो ये डिस्टेंस हमारा ये इतनी पूरी बीम क्या हो गई, बीम। ऐसे यहाँ पे कॉलम है तो ये कॉलम से कॉलम तक आपकी ये कंटिन्यू बीम हो गई, ठीक है, सिंपल सपोर्टेड बीम। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बीम हो जाती है। तो अब हमें ये देख लेना है B1 B1 आपके गिवन रहता है, तो B1 B1 कहाँ पे है, B1 3 2 सब आपका गिवन रहता है यहाँ पे, ठीक है, B1 4 रह जाता है यहाँ पे, इस तरह से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे संकन भी उसने गिवन रहता है। जैसे संकन क्या रहता है कि जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर पे, तो संकन क्या रहता है कि PCC के टाइम पे हम नीचे डाउन कर देते हैं, PCC वहाँ पे अभी नहीं की जाती है, लेकिन जैसे आपका प्लेन आपका जो लेवल फिक्स आता है, जैसे आपका PCC यहाँ पे हो जाती है, फिक्स लेवल हो जाता है, तो उसको लास्ट में हम यहाँ पे PCC करके बाद हमारा जो टॉयलेट संकन है पाइप फिटिंग्स कर दी जाती है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड जो भी पाइप्स रहते हैं उसको पहले फिटिंग अच्छी प्रॉपरली से कर लेने चाहिए, ताकि जो आप बाद में आसानी रहे फ्यूचर में आपको जो प्रेजेंट PCC करने के टाइम पे आसान है, क्योंकि PCC कर देंगे तो वहाँ पे फिर आप पता चला कि हमारे पाइप यहाँ पे नहीं था यहाँ पे था तो उसको तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि संकन है PCC है वो लेवल फिक्स कर लीजिए, प्लिन बीम का जो लेवल है वो फिक्स कर लीजिए, बीम के बाद आपका जो फ्लोर फिनिश लेवल जो मार्जिन है वो फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आपका जो पाइप है वो सैनिटरी फिटिंग्स है वो कर लेना चाहिए आपके, कहाँ पर सैनिटरी फिटिंग्स कहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आपका संकन है। जैसे कि यहाँ पर भी टॉयलेट है, ड्रॉइंग्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो टॉयलेट टॉयलेट और टॉयलेट जस्ट ओनली 3 टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ ड्रेसिंग रूम है और बेडरूम और टॉयलेट आपका जो स्टोरेज है, बाकी इसमें कोई टॉयलेट नहीं है, जस्ट ओनली 3 टॉयलेट्स हैं अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर। तो उसने संकन यहाँ पे भी दे दिया है और आपका जो संकन है यहाँ पे ये टॉयलेट है आपका, ठीक है, ये टॉयलेट है एंड ये टॉयलेट, तो 3 टॉयलेट्स हैं, बट लेकिन यहाँ पे संकन आपका 4 टॉयलेट्स, तो आपका ये एक टॉयलेट यहाँ पे जाता है, एक टॉयलेट ये हो जाता है, 1 2 3 3 टॉयलेट यहाँ पे जाते हैं, टोटली 4 टॉयलेट हैं, पर लेकिन संकन कहाँ पे दिया है, जस्ट ओनली 2 साइड्स में, तो ये भी संकन रहता है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो आपके जो सैनिटरी फिटिंग्स है जो टॉयलेट्स होते हैं वो थोड़े डाउन में रहते हैं, उसके बाद ही जो पाइप्स होते हैं डाउन में रहते हैं और लेवल इससे 10 mm जस्ट ओनली 10 mm तक ही थोड़ा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे उसने कोई डाउन संकन नहीं दिया, तो ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए कहाँ पे हमें संकन देना चाहिए कहाँ पे नहीं देना चाहिए, कहाँ पे फिटिंग्स आ रही है। उसके बाद हमारा B1 है, उसका जो शेड्यूल है यहाँ पे दे देता है आपको, जो शेड्यूल है यहाँ पे भी दे देता है, और काफ़ी क्या रहता है कि जो आपका बीम है तो बीम यहाँ पे शो करने के बाद अलग से ही B1 का जो सेक्शंस है वो अलग से शो कर दिए जाते हैं। जैसे अभी जैसे बीम ये शो कर रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से B1 B2 B3 अलग से शो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम टेबल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, नेम B1 है, तो B1 हम यहाँ पे ये B1 है, B1 का जो साइज़ है 225 बाई 450, मतलब 225 की इसकी चौड़ाई रहेगी और गहराई 450 की है। B2 आपका जो B2 है हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, B2 कहाँ पे है, ठीक है, प्लिन B1 प्लिन बीम 4 प्लिन बीम 4 आपके इस तरह से प्लिन बीम 4 की सब गिवन रहता है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है प्लिन बीम 2, इस कॉलम से इस कॉलम पे ये प्लिन बीम 2 दे रहा है, तो ये प्लिन बीम का जो 2 है उसका साइज़ थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस कर दिया उसने, 225 बाई 300 225 बाई 400, तो ये साइज़ हमें वहाँ पे चेक लेना कि कहाँ पे क्या साइज़ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गहराई है कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पे बीम की जो डेप्थ है उसके जरूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि सभी का जो डेप्थ है वो सेम रख दीजिए, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, रेनफोर्समेंट तो सेम रहेगा ही, बट लेकिन जो कॉन्क्रीट है वो थोड़ा वॉल्यूम जस्ट वहाँ पर बढ़ेगी। जस्ट यहाँ पे कॉलम से जो कॉलम डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस है और यहाँ पे भी प्लिन बीम 1 दे दिया है, जैसे ये डिस्टेंस प्लिन बीम 1 दे दिया, यहाँ पे प्लिन बीम 2 दे दिया है,
और इसमें जो ना डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे 400 गहराई, 450 गहराई है और यहाँ पे 300 गहराई है, ठीक है। तो डिस्टेंस जस्ट सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट लेकिन कॉलम टू कॉलम यहाँ पे डिस्टेंस और डिफरेंस हो गया। दूसरा यहाँ पे एंट्रेंस का ज़्यादा, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे कि आपका ये 1 फीट पे डाउन, ये 1 फीट ऊँचा है, उसके बाद आपका फिर ये 1.5 फीट ऊँचा हो जाता है। इस लेवल से आपका जो ये लेवल है, ये आपका लेवल है 0-0। जैसे आपके एंट्रेंस हो जाता है, एंट्रेंस मेन गेट पे, अगर ये 0-0 बीम है तो ये आपका 1 फीट, इससे 1 फीट ऊँचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो एरिया हो जाएगा 1 फीट ऊँचा हो जाएगा, इससे फिर ये लेवल भी आपका सेम रह जाएगा पोर्च के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा ये लेवल है, ये 1.5 फीट ऊँचा हो जाएगा उसके बाद ये, ठीक है। तो ये बरामदा जैसे यहाँ के ड्राइंग के अंदर दे रखा है, ये पोर्च, पूरा ये पोर्च है। जैसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी है पार्किंग के लिए, गाड़ी या फिर आपका जो, ठीक है, जो पोर्च हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपका ये वरांदा, यहाँ पे वरांदा आ जाता है आपका, तो वरांदा जस्ट यहाँ से 1.5 फीट हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे स्टेप नहीं बनेगा, जस्ट 6 इंच ही रहेगा, तो 6 इंच का डिफरेंस पड़ा है 1 फीट और 1.5 फीट, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक स्टेप बन रहा है, तो यहाँ पे स्टेप अलग से देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन रहा है स्टेप। उसके बाद हमारा ये है, तो ये भी हमारा 2 फीट बन रहा है, तो यहाँ से एंट्रेंस करेंगे, तो एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 6 इंची ऊपर हो रहा है इससे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी कोई स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक ये भी 6 इंची ऊँचा हो रहा है, तो यहाँ पर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग से डिफरेंस दे दिया आपको, मतलब यहाँ से ये आपका 1 फीट ऊंचा हो रहा है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा लेवल हो गया, तो ये 2 फीट जो ऊंचा है, जो प्लिंथ लेवल है, या आपका जो प्लिंथ है, या फिर जो ग्राउंड फ्लोर आपका फ्लोर फिनिश लेवल, एफ एफ लेवल, ये टोटल एफ लेवल है आपका, 2 फीट ऊँचा हो गया। उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पे, ये आपका रोड लेवल, या फिर आपको 0 जो कुछ भी दे देगा आपको वहाँ पे, उसी से आपको लेवल फिक्स करना है। तो प्लेन बीम वन में आपका जो बीम वन है, इस तरह से बीम है, तो यहाँ पे आपका टॉप, ये आपका जो टॉप वो टॉप में एंड बॉटम में, जैसे कि यहाँ पे 3 12 के दे रहा है और 2 12 के, तो रेनफोर्समेंट क्या दे रहा है, 3 225 बाई 450 में 3 12 के दे रहा है टोर बार, और बॉटम में 2 12 के, ये आपका मेन बार है, मेन बार जाएगा जो आपका। उसके बाद एक्स्ट्रा एट बॉटम 1 12, तो मतलब सभी में हमें 1 12 का दे रहा है डिफरेंस। हम यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ पे टॉप में 2 2 12 के दे रहे हैं, बॉटम में 2 2 12 के दे रहे हैं, और रेनफोर्समेंट टॉप में दे रहा है 3 2 2, मतलब जस्ट ओनली प्लिन बीम, जो आपकी प्लिन बीम वन है, जैसे बी वन है, ये बी वन है, यहाँ पे बी वन है, तो मोस्टली आउटर ये आपकी प्लिन बीम 4 आ जाती है। तो प्लिन बीम 4 का साइज है 225 बाई 300, मतलब 225 बाई 300 का जस्ट ओनली ये साइज़ है यहाँ पे, ठीक है, प्लिन बीम 4 में, क्योंकि यहाँ पे कोई वाल नहीं है, कॉल लोड नहीं है, जस्ट ओनली कॉलम टू कॉलम को करने के लिए, टाई अप करने के लिए यहाँ पे साइज दे दिया है। जैसे हमारा प्लिन इस कॉलम से कॉलम को, इसको भी टाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके वॉल आ जाएगी, और जैसे कि बाउंड्री वॉल है, लान वॉल है, आपकी जो वॉल है यहाँ पे जस्ट वॉल आ जाएगी, इस वजह से यहाँ पे साइज कम दे दिया है बीम की जो डेप्थ है। उसके बाद हमारा जैसे कि हमारे प्लिन बीम वन है, ये भी आपका प्लिन बीम, जस्ट ये भी आपका प्लिन बीम वन है, ये भी आपका प्लिन बीम वन है, तो ये साइज आपको दे दिया है। तो ये प्लिन बीम 3 और प्लिन बीम 3, इनका विड्थ आपको डिफरेंस मिलेगा। प्लिन बीम 3 के अंदर आपको 125 बाई 450 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम हो गई, गहराई ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टीशन वॉल बनानी है, तो इस वजह से जो डेप्थ है प्रॉपर पूरी लेनी होगी। तो यहाँ पे हम 230 भी ले सकते थे, यहाँ पे 230 लेना चाहिए था ऑलमोस्ट, क्योंकि जो डेप्थ है, लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई है, तो जस्ट ओनली ये ही हम 115 बनाते हैं पार्टीशन के लिए, ये हमें जो चौड़ाई है वो नहीं बनानी चाहिए बीम, ठीक है। ये क्योंकि वाल का लोड आ रहा है इसके ऊपर, तो कोशिश करनी चाहिए कि 230 ही इसको बनाना चाहिए, ठीक है। मैं अपना सजेशन आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो ये 230 ही बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लिन बीम वाल भले ही आपकी 115 की हो, 4 इंची की वाल हो, बट लेकिन बीम हमें 230 का ही बनाना चाहिए, क्योंकि वाल का लोड जाता है और कॉलम टू कॉलम या फिर बीम टू बीम टाई अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेक कर लेंगे या फिर आप प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से आपको देना चाहिए। यहाँ पे 215 ये आप दे सकते हैं, यहाँ पे पार्टीशन वाल के लिए, पार्टीशन वाल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया। जैसे हम बॉटम बार, हम जो बॉटम का बार हम का देंगे, तो जैसे बीम दिया जाता है तो यहाँ पे स्पेसर बार कर, जैसे कि यहाँ पे बीम है, तो ये आपके 2 बार हमारे टॉप में चले जाएंगे, और बीम वन में 3 बार हैं और बाकी सभी बीम में 2 हैं, तो यहाँ पे बीम वन हमें दे दिए, और टॉप में हमें क्या देना है कि यहाँ पे बीच में ही आ जाएगा बॉटम में, ठीक है, 200, क्योंकि हमारा 9 इंची का है, 225 का है, तो बीच में एक 12 आ जाएगा, 2 12 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 12 बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि 2 दे देता है, तो यहाँ पे हमें स्पेशल पार लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होगा बॉटम में, इस तरह से दिया जाता है।
उसके बाद हम इस ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारा बॉटम टॉप क्लियर हो गया। रिंग्स की बात करते हैं तो 8 mm का रिंग है 125 mm, जैसे कि यहाँ पे 8 और हैज़ 8 हैज़ का मतलब है 8 mm का है, और एट द रेट ऑफ 125 सेंटर टू सेंटर, 125 सेंटर जैसे आपके जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं आप इसमें एक रिंग प्रोवाइड करते हैं ये वाले, जो इनकी जो दूरी है 125 mm, 125 का हो गया आपका 5 इंची, मतलब 5 इंची की सेंटर सेंटर आपकी डिस्टेंस रहेगा 5 इंची पे। और वहीं पे हम बात करते हैं 8 mm, उसमें बात रखते हैं 175, मतलब सभी में 125 175, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला जो डिस्टेंस है 175 mm, तो मतलब आपका ये कितना होगा 7 इंची, तो 7 इंच डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उसने गिवन तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो 2D, तो 2D में रहेगा डिस्टेंस और यहाँ पे 2D डिस्टेंस। तो 2D का मतलब क्या रहता है, 2 × डेप्थ कितनी, बीम की डेप्थ कितनी है, जैसे कि यहाँ पे 450 है, तो 450 कितना हो जाएगा 900, तो 900 mm की दूरी तक हमें देंगे, तो 900 का 200 है, तो यहाँ पे स्पेसिंग कितना है यहाँ पे 125, तो 125 से इसको भाग कर लेंगे तो 12 × 5 = 18, मतलब वो अप्रोक्स 7 रिंग, मतलब आपके 7 रिंग यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे ही आपके 7 रिंग आ जाएंगे, बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो आपका इंटरनल बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बीम में इस तरह से रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमें ये सभी क्लियर होने के बाद, जैसे कि हमें नोट दे रहा है कि 150 mm ब्रिक वर्क विल बी अंडर प्लिंथ बीम 1 बी 3 और बीम 2, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्रिक वर्क हमें कम से कम भी एक ब्रिक वर्क हम यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पे बहुत साइड में सभी में B1, B2 और B3, आपकी जो B3 है ये वाला B3 है, B1 है आपके, मतलब B2, B1, B4 में आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन B1 में आपको ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ग्रेड स्लैब, तो ग्रेड स्लैब का मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आपको ये सेक्शन दे रहा है सेक्शन AA, तो यहाँ पे ये सेक्शन AA इसने यहाँ पे काट दिया है आपका बीम में, तो सेक्शन इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है 3 इंची थिक PCC, तो PCC प्रोवाइड करना है, PCC के बाद आपको बीम प्रोवाइड करना है, प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम का क्या दे रहा है कि ये 1.5 फीट, आपको जो 1.5 फीट की गहराई आपकी बीम की गहराई भी 1.5 फीट है, तो 1.5 फीट होने के बाद आपकी जो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, इसके जो नीचे है वो आपको PCC प्रोवाइड करना है, PCC के बाद आपको प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है, जैसे कि 450 की बीम है, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल जैसे 0.0 दे रहा है, ग्राउंड लेवल के बाद आपको 450 दे रहा है, तो उसके बाद आपका DPC, तो बीम के बाद आपको ब्रिक वर्क कर देना है 8 इंची लेवल पे, आपका जो टॉप लेवल आपको जो फ्लोर फिनिश लेवल आ जाएगा वो आपका फ्लोर फिनिश लेवल से नीचे 3 इंची ग्रेड स्लैब, मतलब आपकी जो ये वाली जो स्लैब है 3 इंची दे रहा है यहाँ पे, 3 इंची थिक ग्रेड स्लैब, 3 इंची की थिक ग्रेड स्लैब का यह है रेइनफोर्समेंट, जैसे कि 8 mm का जो डाया है 150 सेंटर टू सेंटर ये वाला बॉटम का, तो ये वाला डिस्टेंस जैसे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 150 mm हो जाता है, आपका जो टॉप का बार है वो 10 mm का दे रहा है 175 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क कर रहा है और यहाँ पे भी ये ब्रिक वर्क ही आएगा, क्योंकि बीम के बाद ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क के बाद आपका DPC दे रहा है, DPC के बाद आपको ब्रिक वर्क, तो प्लिंथ लेवल आपको दे रहा है 0.0 प्लिंथ लेवल, आपका जो प्लिंथ लेवल आ जाता है जैसे आपका यहाँ पे प्लिंथ लेवल, जैसे ये प्लिंथ लेवल है तो उस बेस पे आपको ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रोवाइड करना है 2 इंची थिक PCC और PCC के बाद आपको 3 इंची थिक ग्रेड स्लैब, मतलब ये RCC की स्लैब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है, और फ्लोर फिनिश लेवल, उसके बाद आपका फ्लोर फिनिश, जैसे कि आपका काफ़ी क्या होता है ये वाला जो पोर्शन है आपको यहाँ पे इस बीम का सेक्शन दे रहा है यहाँ पे इस तरह से, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला जो इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन है आपका, तो इस पोर्शन के अंदर आपको ग्रेड स्लैब बोल रहा है, ठीक है, RCC की स्लैब प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद हमारा सेक्शन BB, आपका जो सेक्शन है ये वाला जो बी आ रहा है, तो यहाँ पे ये सेक्शन BB ये वाला जो पोजीशन है ये इस पोजीशन में प्रोवाइड करने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको BB बीम दे रहा है, तो बीम में 8 mm का सरिया दे रहा है और 250 सेंटर टू सेंटर, 2 बॉटम में और आपका 3 12 में टॉप में दे रहा है, जैसे कि आपकी प्लिंथ बीम 1 है, ये आपकी प्लिंथ बीम 1 है, तो ये बीम में आपको इस तरह से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद हमारा जैसे कि ये दे रहा है 125 mm, 125 की क्या दे रहा है यहाँ पे स्लैब दे रहा है, 125 mm की स्लैब, 125 mm की स्लैब और 325 की डेप्थ, क्योंकि ये टोटल डेप्थ कितना है 450 की टोटल डेप्थ है, 225 की चौड़ाई, तो 3 टॉप में 3 यहाँ बॉटम में, बट लेकिन सेक्शंस के अंदर यहाँ पे
उसने कहीं पे बॉटम में तीन बार नहीं दिए, यहाँ पे दे रहा है जस्ट ओनली तीन टॉप में और दो और बॉटम में, एक एक्स्ट्रा बॉटम में दे रहा है। तो इट्स मीन आपका जो बॉटम में रहेगा ये वाला एक्स्ट्रा बार है, और तीन आपके मेन बार है और दो आपके मेन बार, दो मेन बार एक एक्स्ट्रा बार, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की इस तरह से बोल रहा है यहाँ पे, ये आपका बीम वन, ये बीम बी वन, तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। ये आपका आर सी सी के अंदर आपकी जो थिकनेस है आपकी 125 मतलब 5 इंची की आर सी सी की स्लैब के लिए साथ बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो काफ़ी क्या रहता है कि जो ब्ले आर सी स्लैब है, जो सेक्शंस है, जो ये वाला जो सेक्शन है ये स्लैब के दिया जाता है, जो फ्लोर स्लैब में दिया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह से स्लैब सेक्शन दिया जाता है। लेकिन आर सी स्लैब हमें कहाँ पे देनी है या इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, एज पर क्लाइंट एज पर ओनर के डिपेंड करते हैं कहाँ पे उसको ग्रेड स्लैब लेना है। अगर जो फ्लोर है, जब आपके जो ग्राउंड फ्लोर है वो रोड लेवल से 3 फीट या फिर 4 फीट या फिर 3 फीट आ रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ग्रेड स्लैब की, क्योंकि फिलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो फिलिंग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ग्रेड स्लैब प्रोवाइड करने से ये बेनिफिट रहेगा। तो इन फ्यूचर में क्या होता है कि जो सॉइल होती है नीचे वाला जो सॉइल होता है, तो वहाँ पे ये प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ आता है, तो उस वजह से वहाँ पे फेल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। या फिर आपका जो कम्पेक्शन है, जो मिट्टी है, सॉइल कम्पेक्शन होती है, जो आपकी मिट्टी सेटलमेंट होती है, तो उस वजह से आपका जो फ्लोर है वो बैठ भी जाता है। तो इस वजह से ये आरसी स्लैब वहाँ पे देना ही देना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।